आज की वीडियो में हम हमारे एक व्यूवर्स ने डिटेल में अपने सिचुएशन को बताया है, उस पर चर्चा करेंगे। और ये सवाल पूछा उन्होंने है, मगर और भी बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है, इसलिए इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये उन सभी को मदद करे जो इस तरह के सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, हेलो सर, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा मन किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कर रहा, यहाँ तक कि अगर मैं खुश होती हूँ तो मेरा मन कहता है कि खुश क्यों हो रही है, अगर कोई भी काम करती हूँ तो मन कहता है कि ये काम क्यों कर रही है, जब मरना ही है तो भगवान पर विश्वास करने की कोशिश करती हूँ तो उन पर भी विश्वास नहीं करने देता, और मुझे तो अब जीवन से भी डर लगने लगा है, हर पल ऐसा लगता है कि मुझे काटने को आ रहा है, और मेरा मन तो मुझे इस मोमेंट में होने से भी डराता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, इसके कारण तो ज़िंदगी नर्क बन गई है और मुझे सब कुछ काल्पनिक लगता है, अब तो लाइफ का एक एक पल काटना भारी हो गया है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं ठीक होना चाहती हूँ और लाइफ को आनंद से जीना चाहती हूँ, प्लीज़ सर रिप्लाई करो। इनके इस कमेंट के बाद मैंने इन्हें एक टास्क दिया था जिसमें मैंने इन्हें कहा था कि आप अपने खुद से ये सवाल करें कि मैं अपने आप को मन के अंदर क्या बोल रही हूँ, मतलब मैं अपने आप को अंदर ही अंदर क्या बोल रही हूँ। ये टास्क करने के बाद इन्होंने एक रिप्लाई दिया, थैंक यू सो मच सर फॉर रिप्लाई, सर मेरी मन की ये अवस्था हो रही है कि ये हर चीज़ का विरोध कर रहा है, जैसे कि कोई भी चीज़ है ही क्यों, मैं क्यों हूँ, ये संसार क्यों है, मैं कुछ भी क्यों कर रही हूँ, मेरा दिमाग क्यों काम कर रहा है, अगर कोई चीज़ नेचुरली भी हो रही है ये उसको स्वीकार नहीं कर रहा, मेरा मन किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा, इसके कारण मुझे मेरे होने से भी परेशानी हो रही है, अगर मैं मन को कहती हूँ कि आगे सब कुछ अच्छा होगा तब भी ये ऐसे बोलता है कि क्या करेगी अच्छा होगा भी, तो जबकि मैं सब कुछ जानती हूँ कि हाँ ये काम ऐसे होता है, पर फिर भी मेरा मन उसे स्वीकार नहीं कर रहा। आपके इन बातों को डिटेल में समझकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका सॉल्यूशन दो तरीके से हो सकता है। आपके हर एक चीज़ों को हम एक एक करके समझें और उसका एक एक करके आप सॉल्यूशन निकालें, और दूसरा तरीका हो सकता है इन सब के बेस को, मतलब जड़ को आप समझ लें और इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बात करूँगा, अभी मैं एक एक करके जो थॉट्स आपके हैं उस पर डिस्कस करता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आ कहाँ रहे हैं। पहला पॉइंट जो आपने लिखा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा मन किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं कर रहा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें बाहर की चीज़ों पर ज़बरदस्ती विश्वास दिलाया गया है, आपको ये ज़बरदस्ती विश्वास दिलाया गया है कि आपका जो नाम है स्वाति वो आप हैं, आपको ज़बरदस्ती ये विश्वास दिलाया गया, जैसे मुझे ज़बरदस्ती विश्वास दिलाया गया है कि मैं इंडियन हूँ। क्या मैं इंडियन हूँ? अगर मैं क्या पाकिस्तान में पैदा हो जाता तो मैं पाकिस्तानी हो जाता, मेरी बॉडी कहीं पर भी जन्म रही है इससे मुझ पे टैग लगा दिया गया है कि मैं क्या हूँ, जैसे आप पर ये टैग लगा दिया गया है कि आपका नाम ये है, क्या आपने वो नाम खुद से चॉइस किया, क्या आपने नेशनलिटी खुद से चॉइस किया कि आप इंडियन हैं, ये सब आपके ऊपर टैग लगा दिया गया है, तो इस पर अगर डाउट्स हो रहे हैं, आपका मन किसी भी चीज़ पर आपको विश्वास नहीं करने दे रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, आपके अगल बगल में सब कुछ बदल रहा है, क्या है ऐसा जो नहीं बदल रहा है, आपका खुद का शरीर भी बदल रहा है, आप आज से 10 साल पहले जैसे थे उस फ़ोटो को उठाइए और आज के फ़ोटो को देखिए, वो बहुत बदल चुकी है, आप बहुत चेंज हो चुके हैं, आपके पेरेंट्स चेंज हो रहे हैं, आपके खुद के थॉट्स चेंज हो रहे हैं, आपके बच्चों को आप बड़े होते हुए देख रहे हैं, आप अपने अगल बगल के सराउंडिंग को बदलते हुए देख रहे हैं, जैसा गीता में कहा गया है परिवर्तन ही संसार का नियम है, यहाँ सब कुछ बदल रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं, आपका मन कैसे किसी चीज़ पर विश्वास कर सकता है, सब कुछ बदल रहा है, उस बदलते हुए चीज़ों को आप ऑब्जर्व करने वाले हैं, आप उस चीज़ों को बदलते हुए देख रहे हैं, आपका मन अगर ये कह रहा है कोई भी चीज़ पर विश्वास नहीं कर रहा है तो वो सही ही कर रहा है ना, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कोई भी चीज़ पर तो ये सही है, आपको विश्वास कैसे हो सकता है, इस बदलती हुई चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि चीज़ें बदल रही हैं, यही एक सच है कि चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें बदल रही हैं। फिर आपने आगे लिखा है कि यहाँ तक कि अगर मैं खुश होती हूँ तो मेरा मन कहता है कि तू खुश क्यों हो रही है, मैं समझाने के लिए मेरे मुँह से अगर कुछ ऐसे शब्द निकल जाएँ जो आपको हार्ड लगे या हर्ट करें तो प्लीज़ इसे अंदर तक जाने दें और ये समझें कि मैं, मेरा कोई भी इरादा नहीं है आपको हर्ट करने का, मैं तो पर्सनली आपको जानता तक नहीं,
मेरा सिर्फ इतना इरादा है कि मैं आप सब की मदद कर सकूं। मैं जो जैसे मैं माइंड के प्रॉब्लम्स को देखता हूं वैसा मैं आपको बता सकूं। तो बस मैं इस प्रॉब्लम को जैसा देख रहा हूं वैसा आपको बता रहा हूं कि इससे निकलना कितना आसान है। आपने यहाँ लिखा है कि मैं खुश तो होती हूँ मगर मेरा मन कहता है कि तू खुश क्यों हो रही है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? मुझे भी जब मैं लोगों को खुश देखता हूँ अननेसेसरी चीज़ों में, तो मुझे भी ऐसा अंदर से लगता है कि वो खुश क्यों हो रहे हैं, फ़ायदा क्या है इस खुशी का? लोग शादी करके खुश हो रहे हैं, क्या फ़ायदा? लोग शादी करके खुश हो रहे हैं और उसी के 6-7 महीने के बाद वो डाइवोर्स दे रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसे शादी में? क्या उन्हें पहले से ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस चीज़ में मैं कदम रखने जा रहा हूँ, जिस स्टेप को मैं लेने जा रहा हूँ, इसमें आगे जाके प्रॉब्लम्स आने वाले हैं? अगर आपका माइंड इतना पावरफुल हो गया है कि अगर उसे दिख रहा है कि मैं खुश क्यों हो रही हूँ, तो इसमें तो फैक्ट है। किस चीज़ में आप खुश हो सकते हैं? इस टेम्प्रेरी चीज़ों में जो सब कुछ बदल रहा है, जो सब कुछ आपके बगल अगल बगल में सब कुछ बदल रहा है, इसे पकड़ कर, इसे पा कर लोग खुश हो कैसे सकते हैं? और जो खुश हो रहे हैं वो कितने अज्ञानी हैं, उस टेम्प्रेरी धूल को हाथ में लेकर खुश हो रहे हैं, उस मिट्टी के चीज़ों को हाथ में लेके खुश हो रहे हैं, जबकि वो बदलने वाली है। आगे चल करके वो कुछ भी परमानेंट नहीं रहने वाला, वो बदलने वाला है, तो उसे पाकर आप खुश रह कैसे सकते हैं? हम खुश तो तभी हो सकते हैं ना जब कुछ हमें परमानेंट मिल जाए, कुछ ऐसा जो कभी ना बदले। टेम्प्ररी चीज़ों को पाकर आप खुश हो कैसे सकते हैं, रह कैसे सकते हैं? इस पर अगर आपका मन अगर सवाल उठा रहा है तो ये जेन्युइन सवाल है। आपको खुद से सोचना चाहिए कि मैं खुश हूँ भी तो क्यों हूँ, किस चीज़ के लिए मैं खुश हूँ, क्या ऐसा है जो परमानेंट है? और इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ एक चीज़ है जो परमानेंट है और वो है आप खुद। आप परमानेंट हैं, लाइफ परमानेंट है, जिसकी वजह से ही आप सब कुछ देख पा रहे हैं। मतलब जो आपका प्रेजेंस है, आप जो कॉन्शियस हैं, अवेयर्ड हैं, ये परमानेंट है। और इसी के ऊपर ये एक स्क्रीन की तरह है, इसी के ऊपर ये पूरे दुनिया का फिल्म चल रहा है, ये पूरी दुनिया एक फिल्म की तरह है जो इस स्क्रीन के ऊपर चल रही है, और वो स्क्रीन ही आप हैं। इसी चीज़ को समझना है। और इस ये समझा कैसे जाता है? सवाल करके। सवाल कहाँ उठते हैं? मन में। और आपके मन में बाय डिफ़ॉल्ट ये सवाल उठ रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपके मन में बाय डिफ़ॉल्ट ये सवाल उठ रहे हैं। आगे है, आगे आपने लिखा है, अगर कोई भी काम करती हूँ तो मन कहता है कि यह काम क्यों कर रही है। इसे भी देखने के दो नज़रिए हो सकते हैं। अगर आप बहुत छोटे छोटे काम में भी, जैसे खाना खा रहे हैं, अगर यहाँ पर भी आपका मन कह रहा है कि खाना क्यों खा रही है, तो आपको थोड़ा अपने मन को समझाने की ज़रूरत है कि खाना मैं इसलिए खा रही हूँ ताकि मेरा शरीर चले, और शरीर क्यों चले? ताकि मैं सच को जान सकूँ, ताकि मैं इस दुनिया में रहकर, इस झूठी दुनिया में रहकर सच को जान सकूँ। इसे झूठी दुनिया भी कहना गलत है, क्योंकि ये दुनिया झूठी नहीं है। ये दुनिया जो सच है उसी का मैनिफेस्टेशन है। मतलब ये जैसे इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्यों बनता है? क्या वहाँ पे सच में कोई इंद्रधनुष है? जो पीछे पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, उसके पीछे जो सूरज की रोशनी है, जो वाइट लाइट है, वो उस ड्रॉपलेट से पास होती है और उसकी वजह से इंद्रधनुष बनते हैं। मगर वो 7 कलर्स क्या झूठ है? क्या वहाँ पे इंद्रधनुष नहीं है? इंद्रधनुष तो है, मगर वो किसकी रिफ्लेक्शन है? वाइट लाइट की। वाइट लाइट के वजह से वो इंद्रधनुष बन रही है। तो अगर आप इंद्रधनुष को ही खाली पकड़ के बैठे रहें तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको इंद्रधनुष में कहीं पर भी रियलिटी नज़र नहीं आएगी। वो इंद्रधनुष बन क्यों रहे हैं? वाइट लाइट की वजह से। ये वाइट लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, और यही वाइट लाइट आप हैं, यही आप हैं। इसी की वजह से ये इंद्रधनुष आपको दिख रही है। ये इंद्रधनुष को आप दुनिया समझो। ये दुनिया आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि आप हैं। आप जो वाइट लाइट हैं, जो लाइफ है, वही ना इस इंद्रधनुष को देख रहा है। तो आपको खुद को पहले समझना होगा ताकि आप इस वर्ल्ड को समझ पाएँ, इस माया नगरी को समझ पाएँ, इसलिए इसे माया कहा गया है। अगला पॉइंट इसमें आपने लिखा है, जब मरना ही है तो भगवान पर विश्वास करने की कोशिश करती हूँ तो उन पर भी विश्वास करने नहीं देता। बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर कि आप कह रहे हैं मरना ही है। ये मरना ही है का सच आपके अंदर कहाँ से आ गया? मरना ही है, आप क्या जानते हैं सच में कि आप मरते हैं? क्या इस ब्रह्मांड में कुछ भी मर सकता है? क्या आप मर सकते हैं? क्या आपको मारने का कोई भी तरीका है? जैसे पानी है, पानी को गर्म करें तो वो भाप बन जाएगा,
पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाती है। तो पानी क्या मर गया या बदल गया? पानी भाप में बदल गया, मरा तो नहीं। आप क्या कह रहे हैं कि पानी अगर गर्म किया तो पानी मर गया। अब अगर इस पानी को आप पकड़ के रखेंगे तो आप कह सकते हैं कि आप मर गए, मगर अगर आपको तत्व का ज्ञान है, आपको ये समझ में आ गया कि वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर जो है वो H2O है और H2O मरा नहीं, बदल गया गैस में, वाटर वेपर में, तब आपको कहाँ प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ ये समझ जाते हैं कि आप मरते नहीं हैं, बदलते हैं, मरता कौन है? कोई भी नहीं। इस यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मर सकता है। आपका शरीर जो इन सब एलिमेंट से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है, 5 तत्व से बना हुआ है, उसी में बदल गया, दूसरे तत्वों में डिकम्पोज हो गया, मगर ये मरा कहाँ? अगर आप ऐसी झूठी बातें अपने मन को फीड करेंगे, मन में डालेंगे, तो क्या मन इसको एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मन को एक स्ट्रॉन्ग ऐसी बातें चाहिए जो उसको स्ट्रांगली आप प्रूव कर सकें। मन को स्ट्रांगली आपको प्रूव करना होगा पूरे प्योर साइंटिफिक मेथड के साथ। मन कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जिसका स्ट्रांग बेस ना हो। आगे आपने लिखा है, मुझे तो अब जीवन से भी डर लगने लगा है, हर पल ऐसा लगता है कि मुझे काटने को आ रहा है और मेरा मन तो मुझे इस मोमेंट में रहने से भी डराता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, जिंदगी नर्क बन गई है और मुझे सब कुछ काल्पनिक लगता है। अब तो लाइफ का एक एक पल काटना भारी हो गया है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। सब कुछ आपको काल्पनिक अगर लग रहा है तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस अपने आप से सवाल करने हैं। जैसे जैसे मैंने आपको एक एक पॉइंट पे बताया, इस तरीके से आपको सोचना स्टार्ट करना है और आपके अंदर से खुद ब खुद सच निकल कर के सामने आएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आप बैकग्राउंड हैं और आपके ऊपर ही सब घटना घट रही है, मतलब आपको सब सामने से दिख रहा है। इस पूरी दुनिया को एक मूवी की तरह समझिए, यहाँ पे पूरा एक गेम चल रहा है, ये पूरी एक मूवी चल रही है। जो किस पे चल रही है, जिस स्क्रीन पे चल रही है, वो स्क्रीन आप है। आप अपने आप को ये बॉडी भी मत समझिए, आप इस बॉडी से बहुत बियॉन्ड है। ये हमारी इग्नोरेंस होती है, अज्ञानता होती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं और इसके हिसाब से हम ये सोचने लग जाते हैं कि मैं शरीर हूँ, और उसकी वजह से ये सारे मेंटल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। आपने आगे लिखा है, सर मेरी मन की ये अवस्था हो रही है कि ये हर चीज़ का विरोध कर रहा है, जैसे कि कोई भी चीज़ है ही क्यों। बिल्कुल सही है, आपका मन जाने अनजाने सही सही सवाल ढूंढकर आपको दे रहा है, हर चीज़ है ही क्यों। आप खुद से पूछो ना ये चीज़ कि हर चीज़ है ही क्यों। अगर आपने गलत चीज़ को पकड़ा हुआ है तो उससे रिलेटेड गलत थॉट्स तो आने ही हैं। मैंने अपने आप को बॉडी मान लिया है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये हमारे अगल बगल में हमारे पूर्वजों ने सब ने हमें तो यही सिखाया है कि हम शरीर हैं। हमें बार 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 ये बताया गया है कि मैं ये बॉडी हूँ, मेरा नाम संदीप है। तो मैंने रट लिया है कि मेरा नाम संदीप है, मगर क्या मैं संदीप हूँ? अगर मेरा संदीप नाम हटा दें और कुछ और राहुल नाम कर दे, तो क्या मैं राहुल हो जाऊँगा? क्या मैं अब संदीप नहीं रहा? तो मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, ये सवाल उठना ही चाहिए। चलिए इसे एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं मैंने गलती से अपने आप को ये शर्ट मान लिया, मुझे ये बता दिया गया है कि मैं ये शर्ट हूँ, और अब मैं मान चुका हूँ कि ये मैं शर्ट हूँ। अब इस शर्ट को कोई हल्का सा भी अगर काट दे, फाड़ दे, या फिर इस पर इंक गिर जाए, तो क्या होगा, मेरी क्या हाल होगी? मैं अगर अपने आप को ये शर्ट मानता हूँ तो मैं पागल हो जाऊँगा, मैं इसे ठीक करने के लिए, उसे चेंज करने के लिए पागलों की तरह लड़ूंगा, लोगों से लड़ता फिरूंगा कि इसे ठीक करके दो, इस पर केस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और जब मुझे पता चलेगा कि मैं ये शर्ट हूँ ही नहीं, तो मैं आराम से इस शर्ट को चेंज करूंगा, दूसरे शर्ट पहन लूंगा। वैसे ही आप अभी अपने आप को बॉडी समझते हैं, अभी हम अपने आप को बॉडी समझते हैं, इसलिए बॉडी पे अगर कुछ भी होता है, इस बॉडी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम अपने आप को बॉडी समझ रहे हैं। मगर जैसे ही हमारे दिमाग में ये क्लियर होता है, हमारा माइंड इसमें क्लियर होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो अब इस शरीर से चाहे जो भी हो रहा हो, इस शरीर पे जो भी हो रहा हो, इसका असर आप पर नहीं पड़ता। आप सिर्फ एक साक्षी भाव से, एक ऑब्जर्वर बनकर इसे ध्यान से देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर क्या हो रहा है। आगे आपने लिखा है, मैं क्यों हूँ, ये संसार क्यों है, मैं कुछ भी क्यों कर रही हूँ,
यहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस बहुत ही जेन्युइन हैं और बहुत ही सही सवाल आपके मन में उठ रहे हैं कि ये संसार है ही क्यों। ये आपको खुद से पूछना होगा, अपने अंदर पूछना होगा कि ये संसार क्यों है। और सबसे बेस्ट तरीका होगा आपके लिए कि आप इन सारे सवालों में ना जाकर एक बेसिक सवाल पे जाएं कि मैं कौन हूँ। अगर आपने खुद को जान लिया कि मैं कौन हूँ, तो आप इसके सराउंडिंग में जो भी सवाल उठ रहे हैं आपके, सब मैं से ही रिलेटेड हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे या फिर कहें तो सब ढह जाएंगे। अब इसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेता हूँ मैं सपने में हूँ, ड्रीम में हूँ, और मैं अपने सपने में बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। जैसे आप रात को सपना देखते होंगे, तो सपने में जैसे अभी आप दुनिया को देख रहे हैं, साफ साफ दुनिया आपको रात में सपने में भी वैसी ही दिखती होगी। सब कुछ आप देखते होंगे, लोग भी दिखते होंगे, आप वहाँ पर सपने में सब कुछ काम भी कर रहे होते होंगे, आपको जानवर भी दिख रहे होते होंगे, पेड़ पौधे भी दिख रहे होते होंगे। अब आप सपने से जब उठ जाते हैं, तो क्या आप ये सोचते हैं कि जो सपने में मुझे लोग दिख रहे थे, क्या वो लोग भी उठे या नहीं उठे? क्या वो लोग रियलिटी में भी आपके सामने हैं? तो क्या आप उनसे जाके पूछते हैं कि तुम रात को मेरे सपने में क्यों आए थे, तुम रात को मेरे सपने में क्यों थे? क्योंकि वो जो सपना जो था, वो आपका सपना था, आप वो सपने को देख रहे थे। वैसे ही ये जो पूरा ब्रह्मांड आपको दिख रहा है, ये आपके अंदर है, आपके माइंड की उपज है, आपके माइंड की वजह से दिख रहा है, ये सब आपके अंदर चल रहा है। जैसे ही आप इस बात को समझ जाते हैं, फिर आप लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते, लोगों से पूछने की कोशिश नहीं करते, आप खुद के अंदर झांकते हैं, खुद से क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं, और आपके खुद के अंदर से ये आंसर्स निकल के आने चालू होते हैं कि आपने नेक्स्ट पूछा है मैं क्यों हूँ, ये संसार क्यों है, मैं कुछ भी क्यों कर रही हूँ। ये सवाल भी आपके बहुत जेन्युइन सवाल हैं। आप खुद से ये पूछें कि मैं क्यों हूँ, या फिर इन सब सवालों का जो बेस सवाल है वो आप पूछें कि मैं कौन हूँ। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं कि मैं कौन हूँ, तो इन सब सवाल, ये जितने भी सवाल आपके उठ रहे हैं मन में, ये सब ढह जाते हैं। मैं कौन हूँ, एक एक करके आप देखेंगे। सबसे पहले आप स्टार्टिंग करें अपने शरीर से। क्या मैं ये शरीर हूँ? शरीर को भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में समझ सकते हैं। क्या मैं अपने नाखून हूँ? क्योंकि जब आप नाखून काट देते हैं, तो क्या आप छोटे हो गए? क्या आप कट गए? जब आप बाल काट देते हैं, तो क्या आप कट गए? आप एक एक करके अगर ऐसे ऐसे करके समझते जाएंगे कि मैं कौन हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि आप ये शरीर नहीं हैं, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप अपने माइंड नहीं हैं, आप अपनी फीलिंग्स नहीं हैं, फिर लास्ट में जो बच जाता है वो आप हैं। तो जो आप हैं, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और अभी ऐसा नहीं कि अभी वो आप नहीं हैं, अभी भी आप वही हैं, बस क्योंकि आपने अपने आप को शरीर मान लिया है, मगर मन इसको मानने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि मन झूठ नहीं मान के रख सकता। जैसे बचपन में मन को डराने के लिए हम बच्चों को ये बोल देते थे कि भूत आ जाएगा, हाऊ आ जाएगा, खाना खा लो, ठीक है? हम बच्चों को ऐसे करके डराते थे, बच्चे डर भी जाते थे, बच्चे डर करके खाना खाने लग जाते थे। मगर क्या आप बड़े होने के बाद भी अभी भी ऐसे ही डरते हैं, हाऊ आ जाएगा, खाना खा लो? क्या इस डर से आप खाना खाते हैं? क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है, अब आपका मन समझ गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे ही अब आपका मन इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हो रहा है, ये नेचुरली आपके अंदर से आ रहा है कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, क्यों है? तो ये सब सवाल जेन्युइन है, ये आने ही चाहिए। एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में ये सवाल आने ही चाहिए कि ये संसार क्यों है, मैं कौन हूँ, ये सवाल उठने चाहिए। और ये हमारे जितने भी पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, आप अगर अष्टावक्र गीता पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो राजा जनक थे, उनके मन में भी यही सवाल आया था कि मैं कौन हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो ये सवाल आपके एकदम बिल्कुल सही उठ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, ये संसार क्यों है? और इसके जवाब आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, आपको अपने अंदर ही ये सवाल पूछने होंगे, और अंदर से ही इसके जवाब आएंगे, आपको अंदर से ही इसके जवाब मिलेंगे। जैसे एक हिरण का एग्जाम्पल दिया जाता है, हिरण जो उसके नाभि में ही कस्तूरी होती है, और उसके सुगंध की वजह से वो इधर उधर भाग रही होती है, मगर अगर वो रुक करके बैठ जाए और अपने नाभि की तरफ देखे, तो उसे अपनी खुशबू खुद ही पता चल जाएगी कि मेरे नाभि से ही खुशबू आ रही है। तो ये जो सच है वो आपके अंदर है, आपको खुद से बैठकर अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि मैं कौन हूँ। और इसके लिए अगर आप बाहर जाएंगे, तो बाहर
बहुत सारे ऐसे आज के समय में बाबा घंटाल लोग हैं जो आपको ठगने के लिए रेडी बैठे हैं, और वो ऐसी ऐसी चीज़ों में आपको फंसा देंगे इस चक्करों में कि आप गोल गोल घूमते रह जाएंगे, और आप अभी जितने फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, क्योंकि आप सच से बिछड़ जाएंगे। अभी आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं ये जेन्युइन सवाल है, ये उठने ही चाहिए। आगे आपने लिखा है दिमाग क्यों काम कर रहा है, अगर कोई भी चीज़ नेचुरली भी हो रही है तो उन पर भी उन्हें भी स्वीकार नहीं कर रहा। बिल्कुल सही हो रहा है कि अगर आपका मन स्वीकार नहीं कर रहा है तो आपको उस पर गहराई से जाना चाहिए कि ऐसा जो मैं कौन हूँ और नेचुरली जो जिसे मैं बोल रही हूँ क्या वो नेचुरली हो रहा है, मगर वो हो क्यों रहा है। ठीक है, हो क्यों रहा है क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तभी आपको पता चल रहा है। अभी जैसे इसी समय अफ्रीका में भी कुछ हो रहा है, उससे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके अगल बगल में जो हो रहा है उससे आपको फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपको खुद से पहले सवाल करना होगा कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है, मैं कौन हूँ, कौन है वो जो देख रहा है, कौन हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा मन किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा, इसके कारण मुझे मेरे होने से भी परेशानी हो रही है। अगर मैं मन को कहती हूँ कि आगे सब अच्छा होगा तब भी ये ऐसा बोलता है कि क्या करेगी, अच्छा होगा भी तो, जबकि मैं सब कुछ जानती हूँ कि ये काम ऐसे होता है, फिर भी मेरा मन उसे स्वीकार नहीं करता। यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि मुझे सब पता है कि ये काम कैसे होता है, इसे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। यहाँ पर आपको ये अपने आप से पूछना होगा क्या आपको सच में पता है कि आप सब काम कैसे होता है, या ये आपकी गलत फहमी है। आपका मन इसे स्वीकार नहीं कर रहा है, ये सही है कि मन जानना चाहता है कि क्या इसके बियॉन्ड भी कुछ है, मन आगे के दरवाजे खोलना चाहता है कि क्या इसके बियॉन्ड भी कुछ है। मगर अगर आप ये बोल देते हैं कि मैं सब जानती हूँ तब मन आपको फंसाएगा, तब तो फिर आपके जानने का रास्ता ही बंद हो जाता है ना। फिर अब आप अपने आप से सवाल कैसे करोगे, अगर आपने पहले से ही बोल दिया कि मुझे सब आता है मैं सब जानती हूँ तो आप खुद से क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। तो आपको खुद से क्वेश्चन करने के लिए अपने आप को पहले तो ये बोल करके जितने भी आप पास्ट में चीज़ें जानते हो उसे ये बोलना होगा कि ठीक है वो सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, मुझे खुद से सर्च करना है अब कि क्या सच है। और जब आप और गहराई से अपने अंदर घुसते जाएंगे और अंदर अंदर जाते जाएंगे तब आपको खुद का सच जब नज़र आने लग जाएगा तब आपके ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे, सब बादल छटते जाएंगे और एक सूरज की किरण आपको दिखने लग जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अपनी बातें बता पाया हूँगा। थैंक यू।